लेकर के आ गई हूँ यंगस्तान की आवाज़ से मिलवाने। फिलहाल तो जो है मैं घूमते घूमते छप्पन मार्केट आ गई हूँ और यहाँ पे जो थी मुझे खुशबू बहुत ही अपनी तरफ जो खींच के लेकर के आ गई। मैं आ गई हूँ जॉनी हॉट डॉग पे हॉट डॉग खाने। साथ ही हम जानेंगे कि इस खुशबू के साथ साथ कि चुनावी खुशबू कैसी है, क्या कहना है लोगों का, क्योंकि जिस तरह से अभी मैं गर्मा गर्म हॉट डॉग खाने वाली उसी तरह चुनावी माहौल जो है पूरा गर्माया हुआ है, सियासत पूरी गर्माई हुई है, कहीं ना कहीं बेबाक तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि इसने ये किया उसने वो किया, तो कहीं ना कहीं जो है प्रचार भी जो जोरों शोरों से होने वाला है। तो आइए जानते हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सभी जो काम कर रहे हैं अपने जॉनी हॉट डॉग बनाने में जो है एक्सपर्ट, पूरे जी तोड़ उसमें बिजी लगे हुए हैं। ये जान दिन से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? विजय सिंह। विजय जी अभी आप जो है कब से ये काम कर रहे हैं? सुबह से ही? सवेरे से कर रहे हैं, 8 बजे से। तो अभी जिस तरह से जो है तवा मेरे को गर्म दिख रहा है, ये जानते हैं आपको क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है या फिर नॉर्मल ही है? गर्माया हुआ तो बना दिया गया, नॉर्मल है। जो मौजूदा सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है और कुछ नहीं, फैसला तो चंद मिनटों का है। फैसला तो जो है जनता का है, आपका क्या कहना है इस विषय पर? भैया ही बनेंगे। आपका इनका भी यही कहना है कि अभी की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, ये जान दे। सर आपका क्या नाम है? विजय। इनका भी नाम जो है विजय जी है। तो विजय जी आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार विजय ही होगी? मोदी सरकार। मोदी सरकार? आप मोदी सरकार को ही क्यों मत? हिम्मत वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, हिम्मत वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसे क्या लगता है उन्होंने ऐसे क्या अहम फैसले लिए जो काफी सही साबित? पाकिस्तान को धो दिया घर जाके। पाकिस्तान को जो है पूरा धो दिया क्रिकेट के बल्ले की तरह। अभी आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी सामने आ रहे की जो नोटबंदी की है वो कहीं ना कहीं नाकाम हुई है, भ्रष्टाचार जो चल रहा है? ये तो जो काला बाजारी वाले हैं वो रो रहे हैं कि नोटबंदी से परेशानी है, जिसकी वजह से जिन्होंने सभ्यता से सही साथ का धंधा कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जिन्होंने काला धंधा किया था वो कहीं ना कहीं रो रहे परेशान है, ये जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे युवाओं भी मौजूद है, इनकी जानते क्या राय है। आपका क्या नाम है? नमन। नमन आपको क्या लगता है, क्या सोच कर इस बार आप मतदान करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मोदी जी ही जीतना चाहिए, क्योंकि मैंने उनका जो काम देखा है, डेवलपमेंट हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, और मतलब आज हर क्षेत्र में जो भी आप कोई भी क्षेत्र में चल जाओ हर जगह टॉयलेट्स है। तो मतलब जो और स्वच्छता के लिए और बहुत सारे काम मोदी जी ने करे, तो मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ और मोदी जी विजय बनना चाहिए। तो इनका कहना है कि स्वच्छता को लेकर मोदी सरकार ने जो बहुत अहम काम किया। मेरा आपसे सवाल है स्वच्छता को लेकर, अभी हम खान नदी की बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ अखबारों में जो फोटोज ही छपी हो, कहीं आपको लगता है कि खान नदी भी साफ हुई है? समय लगेगा इसमें? थोड़ा थोड़ा समय लगेगा उसके अंदर, अभी एकदम से, पर कुछ इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट उसको करने के लिए। मतलब जनता को जो है धैर्य रखना चाहिए। आइए जानते हैं, हमारे साथ यहाँ पे एक और युवा मौजूद है, आपका क्या नाम है? अल्केश शौक से। अल्केश आपको क्या लगता है, आप क्या सोच के इस बार मतदान करने वाले हैं? राष्ट्रीय मुद्दे को देख के मतदान करेंगे, जो देश के हित के लिए होंगे, देश के भले के लिए होगी जो सरकार, उसको देख के मतदान करेंगे। तो उसी को देख के देश के भले के लिए आप मतदान करेंगे। तो अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और स्ट्राइक हुआ है, तो ये बहुत सही फैसले रहे हैं? बहुत सही फैसले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले हैं, बहुत हिम्मत वाली सरकार ही इसको ले सकती है, और किसी की हिम्मत ही नहीं थी। तो आपको लगता है अभी जो कांग्रेस बोल रही है कि उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो क्या सही में की है या फिर हवाला दे रहे इस बात का? ये सब तो सब पागल बनती है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी 2014 के पहले, तो 2014-16 में ही सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और जब भी अपन ने पाकिस्तान को सबक सिखाया उसके पहले तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी। आर्मी के मेन हेडक्वार्टर से ही बोला गया, आरटीआई लगाई थी, तो उसके बाद आर्मी के हेडक्वार्टर से ही बोला गया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है ऐसी कोई। मतलब कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है और अभी जो है मोदी सरकार ने काम किया, ये जानते। सर आपका नाम क्या है? यासिर पठान। यासिर जी आपको क्या लगता है इस बार क्या सोच कर क्या वोट करेंगे? देखिए मेरा तो ये मानना है कि आज़ादी से लेकर आज तक इतनी निकम्मी सरकार आज तक नहीं बनी, चूँकि 2014 के अंदर एक प्रोपोगंडा बनाया गया था, मोदी जी ने ये बात फैलाई थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, है ना, कंट्रीज के अंदर जो है अपने डेवलपमेंट करेंगे। हम तो एक बात बोलते हैं कि मोदी जी अपने पिछले मैनिफेस्टो के हिसाब से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर वो सक्सेस हैं, अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अगर उन्होंने देश को आगे लेकर गए, तो जो उनके उपलब्धियाँ हैं उसको गिनाएं। अगर मोदी जी की नज़र के अंदर नोटबंदी सही फैसला था, आपने अपने मैनिफेस्टो में नोटबंदी को लेकर आना था, उसके नाम पर वोट मांगना था। अगर आपको लगता है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किए, तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आना था। 2 करोड़ रोजगार आपने दिए होते, आप मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार लेकर आते। जब भी कहीं पर युवा या जब भी देश अहम मुद्दों के ऊपर आता है, ये सरकार जो है कि मुद्दों से भटका देती, पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है।
ये समझ लीजिए राम मंदिर के नाम पर ये सरकार आई थी, मोदी जी की एक हिंदुत्व वाली एक छवि है। राम मंदिर बनाना तो दूर की बात है, पिछले 5 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या गए तक नहीं। तो अभी जैसे आपने रोजगार की बात की, इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार रही थी तब भी उन्होंने काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बाल मजदूरी तब भी देखने को मिली थी, और आज के समय भी देखा जाए बाल मजदूरी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कम है। देखिए आप भी समझते हैं, पिछले 70 साल के अंदर जो देश जिस वक्त आज़ाद हुआ था, क्या आज जो देश के आज़ाद जो हालात हैं क्या ऐसे हालात थे? नहीं। 70 सालों के अंदर देश में रोजगार बढ़ा है, बाल मजदूरी को में देश ने प्रगति करी है। आज हमारे पास जितने भी हैं हथियार हैं जो हमारी सेना के पास में, वो सब कांग्रेस के राज के अंदर है। जिस स्कूल के अंदर मोदी जी पढ़ के बड़े हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। जिस पोलियो के ड्राप को पीकर जो है मोदी जी लूले लंगड़े नहीं बने, वो कांग्रेस की देन है। आज जो भाजपा के भूपू बने हुए हैं और जिस माइक के ऊपर और जिस संसाधनों के ऊपर जो जोर जोर से चिल्ला के भाजपा भाजपा कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। देश को तो आगे कांग्रेस लेकर गई। आप बताइए क्या पिछले 5 साल के पहले आप जिसे जिस तरह से बोल रहे कि कांग्रेस देश को आगे लेके गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि भाजपा ने इन 5 सालों में बहुत अहम फैसले, जैसे कि अभी जो है कांग्रेस ये बयान दे रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत पेश नहीं किए थे कांग्रेस ने, लेकिन अभी जो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुई है भाजपा ने इसके जो है सबूत दिए हैं, पेश किए हैं। बिल्कुल सही बात आपने बोली, सर्जिकल स्ट्राइक भाजपाइयों ने की थी या अपने देश की आर्मी ने की थी? की तो बिल्कुल देश की आर्मी ने थी, लेकिन भाजपा ने सरकार नहीं सरकार ने ये उनको आजादी दी है। देखिए आप एक कॉमन सेंस की बात है, आपको ऐसा लगता है कि हम किसी के घर में जाएंगे उनके 300 सैनिक को मार देंगे और नेक्स्ट डे वो हमारे जवान को जो है रिहा कर देंगे, ऐसा होता है प्रैक्टिकली? फिर भी देखा जाए तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब सरबजीत को वापस नहीं ला पाई, साथ ही जो थे हमारे जितने भी सैनिक आए थे उनके सर कट के हमें लाश मिली थी, और इस बार जो मोदी सरकार ने अभिनंदन जी को वापस लेकर के आए थे सही सलामत। कुलभूषण यादव को क्यों नहीं वापस लेकर आए मोदी जी? मोदी जी के राज में कुलभूषण यादव जो है कि गुप्तचर एजेंसी के वहाँ पर बंदी हुए, उनके राज में क्यों कुलभूषण यादव को लेकर क्यों नहीं आए? सरबजीत की आप बात कर रहे हैं तो शशि भूषण सिंह को क्यों नहीं लेकर आए? मनजीत सिंह चावला को क्यों नहीं लेकर आए उस समय? लेकिन अगर बात करें 2016 की बात है, 2016 के बाद में ये 4 एजेंसी के जो लोग पकड़ाए थे, मोदी जी अगर सब मतलब अगर बादशाह होते तो लेकर आते, क्यों नहीं लेकर आए मैडम? उसको आपका कहना है कि सेना जो है अहम फैसला ले रही है। बिल्कुल मैडम, ये तो और ये प्रोपोगंडा खेला जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो एक बात बोलो ना, आपका जो मैनिफेस्टो था, जो आपका घोषणा पत्र था, उसके आधार पर चुनाव लड़ी। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं अपने अच्छे कामों को लेकर जाऊँ ना, मतलब जो है जातिवाद को लेकर के प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए। बहुत ही धन्यवाद सर, अभी यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद है सर मैम, आपका नाम क्या है? सोनाली करकरे। सोनाली जी, आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगी इस बार? लेडीज को लेकर के आपको लगता है कि इस बार सुरक्षा जो है बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। किस तरीके की सुरक्षा, जैसे कि आप अभी जाती हैं या जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है रात के समय से बस फैसिलिटीज है, तो अभी आप सेफ फील करते हैं जिस तरह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए इन सब में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या मुद्दे आप उठाना चाहेंगी पढ़ाई को लेकर के, जिस तरह से जो लड़कियाँ होती हैं महिलाएँ होती हैं वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रही, तो क्या सुझाव देना चाहेंगी जिससे सरकार जो है काम कर सके, लड़कियाँ और महिलाएँ जो हैं सुरक्षित हों और आगे पढ़ सके? उसके लिए भी सरकार ने बहुत कुछ किया है, गांव-गांव जाके उन्होंने स्कूल खोले हैं, और मेन बात यह है कि उन्होंने शौचालय खोले हैं जिससे लड़कियों की इज्जत बची है। जो गांव में जो लड़कियां छोटी छोटी जो जाती हैं उसके लिए तो घर वाले ही जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार ने यह बताया कि नहीं, घर में भी शौचालय खोल सकते हैं। उन्होंने घर में शौचालय खुलवाया है, लड़कियों की इज्जत कराना सिखाया है। जो लड़कियां जो घर से बाहर निकलने से पहले डरती थी कि हम घर के बाहर कैसे निकले, वो अब आज बिल्कुल बेफिक्र होकर निकलती है। तो आपका कहना है कि मोदी सरकार ने जो इस बार बहुत अच्छे से काम किया महिलाओं के लिए? जी हाँ, बिल्कुल किया है। अभी जो है मतदान को लेकर के क्या जागरूकता का संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारी जो जनता है जहाँ जहाँ पे अभी वोट करना बाकी वो वोट करने जरूर जाए? पहली बात तो ये है कि वो अपनी अच्छाइयाँ देखे कि देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, और दूसरी ये कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या करने का बोला है जो कर सकती है जनता, और थोड़ा बहुत जातिवाद और ये सब भूल के केवल ये देखना चाहिए कि अपने लिए कौन अपनी सरकार जो देश के लिए आगे ले जा सकता है। मोदी जी ने अपना कहां कहां नहीं अपना झंडा ले रहा है, यहां तक कि अमेरिका में जो देश अपने ऊपर राज कर रहा था उस वहां पे जाके वहां के लोगों ने
झंडा अपना लहराया है और कहीं ना कहीं मोदी जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से जो है बेस्ट पर्सनालिटी, बिगेस्ट फैन फॉलोइंग इन सबके जो है अवार्ड मिले हैं। जी शुक्रिया मैम। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि सभी का कहना है, अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो इसी तरह मतदान करने जाइए, सही कैंडिडेट को चुनिए, ये मत देखिए कि कौन आपके लिए काम करेगा या कौन आपके लिए भ्रष्टाचार आपको दे रहा है गिफ्ट, इन सबको नज़रअंदाज करिए, उनके बारे में जानिए कि किस तरीके से उन लोगों ने अच्छे काम किए या खराब काम किए, सही उम्मीदवार को चुनिए और मतदान करने ज़रूर चाहिए। फिलहाल तो जो है अभी मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी और मेरा हॉट डॉग जो है रेडी हो गया, तो मैं वो खाने जा रही हूँ। इसी तरह आप भी जो है खाते रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए और बनी रहिए मेरे साथ दिव्या के साथ एमपी न्यूज़ इंदौर में।